जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। अभी जो वीडियो लेके आए हैं वो है एएससी की भर्ती को लेके। आर्मी सर्विस कोर की है ये भर्ती, और ये कुछ दिन पहले ही 236 पोस्टें आई थी, तो उसी को लेके मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई अभी क्या है, जो काफ़ी दोस्तों के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं, मेल पे आए हैं, तो काफ़ी दोस्तों को एक डाउट है भाई कितने परसेंट वालों के आए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ मतलब डिटेल से बताऊंगा, जो भी मेरे पास डिटेल आई है। आप जैसे दोस्तों ने मेरे पास एडमिट कार्ड भेज दिया, तो उन्हीं के आधार पे मैं आपको अपडेट दूंगा भाई, कब से कब तक आपका जो रिटर्न एग्जाम है या स्किल टेस्ट है ये होना है, सब कुछ उसके बारे में। अगर किसी दोस्त ने अभी तक फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं फेसबुक के माध्यम से, जो फेसबुक पेज है उसके माध्यम से मैं आपको एक दूसरे का, हम टच में रहते हैं, मैसेज का मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। जो फेसबुक मेरे पेज पे मेरे को मैसेज करता है, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो अभी तक जिस भी दोस्त ने फेसबुक का पेज फॉलो नहीं किया, वो फेसबुक का ये पेज फॉलो कर लेना मेरा। जो जिस भी दोस्त ने अभी तक नहीं किया है ना, वो पेज फॉलो जरूर कर लेना। ये पेज है, इसको फॉलो कर लेना। इस पे मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ जाता हूँ और मैसेज के थ्रू रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये देख लेना, ये ऐसी आपको स्क्रीन लगी हुई मिलेगी वहाँ पे। तो आप ये फेसबुक का यश ब्लॉग द ब्लॉग्स के नाम से फेसबुक पेज है, वो जरूर फॉलो कर लेना। अभी हम सप्लाई वाले मैटर पे लौटते हैं, जो सप्लाई की भर्ती आई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितनी पोस्टें थी। लगभग इसमें ये पोस्टें आई हुई थी, सिविल ड्राइवर की लगभग 37 पोस्टें थी, एमटीएस चौकीदार की 17 थी, और क्लीनर की 5 थी, व्हीकल मैकेनिक की 12 थी, पेंटर की 3 थी, और कारपेंटर की 11 थी, और फायरमैन की 1 थी, और फायर इंजन ड्राइवर जिसको हम एफईडी बोलते हैं, इसकी 4 थी। तो ये एक का है, और दूसरी मतलब अलग अलग जगह 180C 280C की पोस्टें थी अलग अलग, जिसमें एक में सबसे ज्यादा पोस्टें 109 थी, जिसको हम ट्रेड वन मेट बोलते हैं, कुछ दोस्त लोग लेबर भी बोल देते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा 109 पोस्टें थी, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा डाउट है। अभी इसमें ये भी टिन स्मिथ की भी पोस्ट थी, और बार्बर की भी, मतलब अलग अलग ट्रेडों की काफी सारी पोस्टें थी। तो अभी इनके एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए, तो जिन दोस्तों मेरे पास एडमिट कार्ड भेजे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले जो एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ, ये एक आगरा के दोस्त ने भेजा है। आप ही में से अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, अगर किसी दोस्त को दिखाई दे रहा हो तो। ये देखो ऊपर उनकी उसकी पर्सनल जानकारी है, जो हम शेयर नहीं कर सकते, वो हमने क्लोज कर रखी है। ये ट्रेड टीन सीमित की ट्रेड के लिए अप्लाई किया था इसने, और इसको 5 जुलाई 2023 को बुलाया है, और सुबह 6 बजे रिपोर्ट करनी है इसको, और 7 बजे के बाद रिपोर्ट नहीं होगी, और इसको रिपोर्ट करनी है नंबर 4 गेट एएससी सेंटर साउथ 280C बेंगलोर में। जो एएससी का मेन सेंटर है वो बेंगलोर में है दोस्तों, तो वहां पे आप इसको रिपोर्ट करनी है। और क्या है, इसको अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कार लेटर का प्रिंट आउट लेके जाना है, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस का जो जिसके पास सर्टिफिकेट है जो कम से कम 1 साल पुराना ही होना चाहिए, तो ये, और फिजिकल हैंडीकैप, अपने जिसने फिजिकल हैंडीकैप से अप्लाई कर रखा है वो अपने फिजिकल का हैंडीकैप का लेके जाना है। और जो टिन स्मिथ टूल किट, और ये भी साथ में लेके जाना है। अगर टिन स्मिथ है जो ये ट्रेड होती है, इसके अंदर मतलब जिस भी सामान की जरूरत पड़ती है, आपके पास जो भी टिन स्मिथ की जिसने पोस्ट से भर रखा है उसके पास जरूर होगी ये टूल किट, तो वो टूल किट साथ लेके जाना। जो भी है 25 नंबर ऑफ रिफिट ऑफ समाल साइज, 2 पेयर ऑफ कुंडा समाल साइज, मतलब ये चीजें अपने साथ ले जाना दोस्तों, और बाकी जो भी आपके जरूरत है। अब इसमें ये और लिख रखी है, सभी डॉक्यूमेंट तो लेके जाना है, रॉ मटेरियल भी लेके जाना है स्किल टेस्ट के लिए जो भी है। और देखो
अगर आपको ये मटेरियल नहीं लेके जाते तो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये अपना मटेरियल साथ लेके जाना दोस्तों। अभी मैं एक और दिखाता हूँ जो एडमिट कार्ड भेजा है और कैसे मेल के माध्यम से आया है। अभी मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको। ये दूसरे, ये देखो, ये जीमेल पे आया है मेल के माध्यम से। आज लगभग 12 बजे के लगभग आया है। देखो इसमें आपको डिटेल भी मिलेगी। ये 12 बजे आया है, देखो ये 12 बजे आया है, देख सकते हो दोस्त, 12 बजे, ये 12 बजे आया है और ये जीमेल के माध्यम से आया। ये स्क्रीनशॉट है, तो ये जीमेल के माध्यम से आया। अगर जिस दोस्त का अभी तक नहीं आया वो अपनी जीमेल चेक कर ले। अभी एक और एडमिट कार्ड दिखाता हूँ आपको। ये टिन स्मिथ वाला दिखा दिया था, अभी जो ये एडमिट कार्ड दिखा रहा हूं ये एलडीसी का है। ये एलडीसी का एडमिट कार्ड है और इसी को भी 5 जुलाई को ही रिपोर्ट करना है सुबह 6 बजे। ये आपको पूरा सेंटर दे रखा है, 280 के सेंटर पे रिपोर्ट करना है। बाकी जो डिटेल दे रखी है वो सेम ही है जो बाकियों में थी। अपने कॉल लेटर की प्रिंट कॉपी लेके आनी है, आधार कार्ड लेके आना है, ये लेके। लेकिन इसको क्या है, राइट, जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट उनका कंप्यूटर पे होगा, वहीं पे होगा। तो इनको कंप्यूटर तो लेके जाना नहीं, तो इनका टाइपिंग टेस्ट वहीं पे होगा। इनको बाकी जो इनकी ट्रेड का जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, वो लेके नहीं जाना। इनको बता रखा है अपने जो सारे डॉक्यूमेंट लेके आना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ जाते सारे डॉक्यूमेंट, तो आपको रिटन टेस्ट में, स्किल टेस्ट में, रिटन टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा। अभी काफी दोस्तों को ये डाउट रहता है, भाई हमारा रिटन टेस्ट कब होगा, क्या दोबारा से कॉल लेटर आएंगे। देखो दोस्तों, पहले जो भर्ती हुई थी उसमें क्या हुआ था, आपके पहले उन्होंने स्किल टेस्ट ले लिया। ये बात आप ध्यान से सुन लेना, मैं स्टार्टिंग में शायद नहीं बताई होगी। पहले क्या है, उनका स्किल टेस्ट ले लिया सभी का, एक दिन में स्किल टेस्ट हो गया। उसके बाद क्या है, उन्होंने 2-3 दिन के बाद ही रिटन टेस्ट ले लिया था। तो ये पहले जो भर्ती हुई थी उसमें ये प्रोसेस रहा था। तो ये मैं पहले बड़ा प्रोसेस बता दिया है, भाई रिटन टेस्ट हो सकता है आपका 2-3 दिन के बाद वहीं पे ले लिया जाए। सेम डे तो नहीं हो सकता, लेकिन 2-3 दिन के बाद। अभी काफी दोस्तों के डाउट रहता है, भाई कितने परसेंट वालों के आए हैं। जो ये है ना एलडीसी वाला, इस दोस्त से मैंने पूछा भाई आपके कितने परसेंट मार्क्स थे, तो इन्होंने भेजा इसके मार्क्स थे 10th में तो 86% मार्क्स थे और 12th में 88% मार्क्स थे इस दोस्त के जो इसका आया है। और जो वो आया हुआ है दूसरे वाला, ये टीन वाला, तो जो टीन स्मिथ वाला आपको दिख रहा है, इस दोस्त से पूछा मैंने आपके कितने परसेंट मार्क्स थे, तो ये इसके 66% मार्क्स थे। ये आगरा का रहने वाला दोस्त है, तो इसके 66% मार्क्स थे इसमें, इस ट्रेड का इसका एडमिट कार्ड आ गया। और काफी दोस्त ट्रेडमैन मेट, मतलब जिसको हम TMM बोलते हैं, या आप अभी कुछ मजदूर भी लिखा हुआ उसमें, तो उन दोस्तों को पूछ रहे हुए हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो अभी तक किसी भी ऐसा दोस्त का मेरे पास मैसेज नहीं आया भाई जिसका TM ट्रेडमैन मेट का एडमिट कार्ड आया हो। अगर किसी दोस्त का आया होगा तो इसमें कमेंट करके जरूर बता देना, और मेरे को मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को एडमिट कार्ड दे देना, और आप अपनी परसेंटेज भी बता देना, भाई इतने परसेंट थे मेरा एडमिट कार्ड आ गया, ताकि मैं दूसरे दोस्तों को बता सकूँ, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस भी दोस्त को कोई मैसेज करना है, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है ना, अगर मेरे को मैसेज करना है तो आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए। इस पे आप मेरे को इस पेज पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। तो आप एक बार दोबारा से, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से जाके मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपको हमारी जानकारी लगी, और बाकी एसएससी एमटीएस में एसएससी में बहुत ज़्यादा पोस्ट आ गई है एमटीएस की, उसको लेके अलग से वीडियो भी बना दूंगा और आपको अपडेट भी देता हूँ, वो आप फॉर्म अप्लाई कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस यूट्यूब वाले को, और फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लेना मेरे को फेसबुक पेज पे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।